हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग गुड। और यस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हर एक इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता है हमेशा कि कैसे मैं रातों रात पैसा कमाऊं, हाउ आई एम गोइंग टू अर्न मोर रिटर्न्स इन वेरी वेरी लेस टाइम। यस, हर एक इंसान चाहता है कि 21 दिन में पैसा डबल होना चाहिए, करेक्ट ना? हर इंसान तो बस यही चाहता है कि 21 डेज 21 दिन पैसा डबल। बट ये चीज हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है कि पैसा कमाना अगर इतना आसान होता था तो फिर शायद लोग काम ही नहीं करते थे। स्टॉक मार्केट इतना आसान होता था तो शायद लोग अपने बिजनेस बंद करके दिन भर घर पे स्टॉक मार्केट में ही काम करते थे, क्यों? करेक्ट है ना? लेकिन आज हम लोग बहुत ही अच्छे से स्ट्रैटेजिकली समझने वाले हैं कि कैसे किया जाता है निवेश स्टॉक मार्केट में, कैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में सही सेक्टर को चुने और कौन सा हो सकता है वो मल्टी बैगर सेक्टर, आगे 2020 में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही सही साबित हो सकता है आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद। सो यस बच्चों, जब मैं एवरीवन जस्ट लिसन, जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट्स की, जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की, मतलब इन्वेस्टमेंट एक साल की नहीं होती है, वो होती है 5 साल 10 साल। गेटिंग ऑल ऑफ यू? गेटिंग? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ जो हम लोग देखने वाले हैं आज। मैं तुम्हें आज एक ऐसा सेक्टर दिखाने वाला हूं जिसके हम लोग कुछ चार्ट समझेंगे, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में भी थोड़ा जाएंगे, कुछ डेटा देखेंगे और कुछ डायनामिक्स देखेंगे हम लोग हमारी कंट्री की, हमारे इंडिया की, और वही डायनामिक्स को हम लोग कंपेयर करेंगे यूएस के डायनामिक्स के साथ। एंड दिस इज हाउ आवर सेशन इज गोइंग टू बी फर्दर। एंड यस, सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझना है कि कैसे हम लोग ये इकोनॉमिक एनालिसिस यूज कर सकते हैं हमारी इन्वेस्टिंग में एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन आर रियल लाइफ इन्वेस्टिंग। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखना यहां पे, करेक्ट, इफ यू सी ओवर हियर, व्हाट डू यू एक्चुअली सी राइट नाउ ओवर हियर, कि देखना यहां पे मैंने लिख दिया है मल्टी बैगर, यहां पे भी मैंने लिख दिया है मल्टी बैगर, लेकिन 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 बहुत सारे लोग एक थिन लाइन डिफरेंस नहीं समझते हैं। मल्टी, देखना मल्टी तो सही है, मल्टी बैगर, करेक्ट, मल्टी बैगर और मल्टी बेगर भी बन जाते हैं कई बार लोग, करेक्ट, बिल्कुल सही, मल्टी बेगर भी बन जाते हैं। तो हमें बहुत ही अटेंटिव रहना है, हमें बहुत ही ध्यान से निवेश करना होता है क्योंकि हमारे वो होते हैं हार्ड अर्न्ड मनी। सो मल्टी बैगर हम लोग लेते हैं लेकिन वो बन जाते कभी कभी मल्टी बेगर। तो ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें कि हम लोग सही से निवेश करें। आज जिस इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने वाला हूं वो इंडस्ट्री के बारे में सब लोग एग्री करेंगे जब तुम लोग उसके डायनामिक समझने वाले हो। झलक दिखलाता हूं सिर्फ, मैं तुम्हें झलक दिखाने वाला हूं सिर्फ उस डायग्राम्स की। बच्चों ध्यान से देखना कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक झलक दिखाने वाला हूं और आपके सामने आ जाएगा फिर वो एक बहुत बहुत बड़ा सस्पेंस। यस, आपके सामने एक बहुत बड़ा सस्पेंस होगा। देखना यहां पे, ये एक स्टॉक दैट इज HDFC लाइफ। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूं। देखना यहां पे हाल ही में इस HDFC लाइफ ने, देखना यहां पे इट वाज अराउंड नियर, देखना 350 के अराउंड था वो अप्रैल में, दैट इज इन अराउंड लेट मार्च में और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 350 से ये शेयर ने अभी तक देखना यहां पे ऑलमोस्ट 600 को टच कर दिया है विद इन हाउ मेनी मंथ्स, अप्रैल से लेके, देखना ये है अप्रैल, देन मे एंड जून, अभी देखना ये 3 महीनों में ऑलमोस्ट मेरा ये जो पैसा है यहां पे अगर मैं निवेश करता था तो अभी ऑलमोस्ट वो डबल होने में है, ऑलमोस्ट
700 पे डबल हो जाएगा, 350 का डबल होता है 700. सो ऑलमोस्ट योर आई एम गेटिंग द प्रॉफिट ऑफ मोर देन 70% इन जस्ट विद इन 3 months. बट मैं छोटे समय के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बड़े समय के लिए. अगर मैं इसी का HDFC लाइफ का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट तुम्हें दिखाता हूं तो देखना, यह है कुछ HDFC का लॉन्ग टर्म. देखना HDFC लाइफ इंश्योरेंस का यह है लॉन्ग टर्म चार्ट, जहां पे ये शेयर देखना ऐसे कितना बड़ा रैली दिया था इस शेयर ने, वो देखना तुम लोग देख सकते हो. अराउंड ये था कुछ 350 पे और इसने कंटिन्यूस रैली दिखाया था. अगर तुम यहां पे देखोगे, यहां पे करेक्ट दिस एंड दिस रेट ओवर हियर, इफ यू सी इट इज अराउंड 640 के ऊपर गया था ये शेयर. और 640 पे जब ये गया था शेयर, देखना दो बार इसने टच किया था अराउंड यहां पे, एक बार यहां पे एंड सेकेंड टाइम इट हैज टच हियर. सो नाउ इट हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली इन दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन में. एक बहुत बड़ा करेक्शन मिला था हमें इस मोमेंट में मार्केट में, जब ये मार्केट गिरा था. देखना ये 640 से डायरेक्टली ये 350 तक फिर से आया था एंड दिस वॉज एक्चुअली अ चांस टू ग्रैब बिकॉज इट इज अ टेम्पररी सिचुएशन. ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है ये टेम्पररी सिचुएशन थी, जहां पे शायद ये एक साल बाद जाएगा, 6 महीने बाद जाएगा, पता नहीं. जब वैक्सीन मिल जाएगी तब ये कोरोना सब कुछ चले जाएगा. सो दिस आर द टाइम एक्चुअली ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां पे मार्केट इज फॉलन बाय मोर देन 20%. जब भी मार्केट गिरता है, आई एम सेइंग व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग बाय मोर देन 20%, दिस इज ऑलवेज अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. व्हाट जनरली वी डू इज, मार्केट जब ऊपर जाता है ना, जब वो बुल मार्केट होता है, जब वो ऊपर जाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, लेट्स इन्वेस्ट नाउ. बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रेटेजी. एंड जब मार्केट नीचे आते रहता है तो हम लोग डरते हैं कि नहीं यार मार्केट और कितना नीचे गिरेगा हमें नहीं पता है. बट गाइस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, व्हाट हैपेंड ओवर हियर इज Why I was so bullish when this was around 350, not only because of technical analysis तो बच्चों आते ही है मुझे, but मैं technical analysis की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर. मैं तुम्हें technical के साथ साथ उसके fundamentals पे भी मैं तुम्हें जोर देना चाहता हूं, ये पूरे sector पे इनफैक्ट मैं जोर देना चाहता हूं. ध्यान से पूरा lecture end तक देखना, मैं फिर से आने वाला हूं fundamentals पे, एक insurance industry पे बात करने वाला हूं. And after this insurance industries, I'm again going to come back to मेरे पास बहुत चार्ट से दिखाने के लिए. मैं तुम्हें सिर्फ झलक दिखाता हूं. देखना मेरे पास SBI लाइफ का चार्ट भी है. सो हम लोग इस चार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे. मेरे पास और एक चार्ट है, मेरे पास है SBI लाइफ का. ओ माय गॉड, ये SBI लाइफ का दो बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं. नहीं, ये है SBI लाइफ. ओके, मेरे पास और एक चार्ट है, दैट इज ICICI प्रूडेंशियल, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा आई गेस. ठीक है, कोई बात नहीं, HDFC और SBI से हम लोग समझ लेंगे. ठीक है, सो यस, तो SBI लाइफ को भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं. लेकिन यहां पे एक टेक्निकल चीज समझना, यहां पे हियर द पॉइंट्स आई हैव मार्क ओवर हियर, देखना दिस पॉइंट अगेन इट हैज गॉन ऑन दिस पॉइंट. यहां पे इस चार्ट ने बना दिया था डबल टॉप, और जब ये डबल टॉप बनाता है तो देर इज मोर प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोइंग टू कम डाउन. सो ये नीचे आया था आराम से, बहुत ही अच्छे से इसने करेक्ट किया था एंड इट हैज करेक्टेड बाय मोर देन आई वुड से 50% करेक्शन मिला था. करेक्ट, सो नाउ अगेन इफ आई सी ओवर हियर, तो मार्केट ने यहां पे डबल बॉटम कर लिया था. मतलब ऑलमोस्ट आई वाज ऑन दैट वर्ड कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है इस चार्ट ने, दैट इज HDFC लाइफ ने बॉटम बना दिया था. करेक्ट ना, सो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को वो रैली फिर से दिखती है. आई कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द प्रीवियस चार्ट की फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमेशा होगा, इसकी गारंटी नहीं है. पास्ट इज नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर, बट डेफिनेटली इफ वी ट्राई, इफ वी एनालाइज इन अ राइट डायरेक्शन, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट सक्सेस बाय अंडरस्टैंडिंग सम डिफरेंट ग्राफ्स. देखना यहां पे मैंने तो बच्चों यहां पे क्या किया था, मैंने यहां पे निवेश किया था अराउंड हियर. करेक्ट ना, अगर छूट भी जाता है तो स्टिल वी हैव चांस टू इन्वेस्ट हियर. फिर भी छूट जाता है तो आई वॉज अगेन हैविंग द चांस हियर टू इन्वेस्ट. सो व्हाट हैपेंड नाउ वॉज, देखना दिस इज द बॉटम जहां पे ये बन गया था मेरा बॉटम. अगेन जब भी एक इसको टेक्निकल पैटर्न बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डबल बॉटम.
सो यहाँ पे जनरली एक डबल बॉटम फॉर्म हुआ था एंड दिस डबल बॉटम फॉर्म होने के बाद इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ये फिर से रैली दे सकता है. इतनी तेज रैली देगा वो नहीं पता, बट वैसा ही ठीक हुआ था. इंश्योरेंस सेक्टर ने देखना उतनी तेज रैली दी थी. सो आई वुड से दैट इफ दिस सेक्टर वॉज हैविंग सो अमेजिंग फंडामेंटल्स, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट HDFC लाइफ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द होल इंश्योरेंस सेक्टर. मैं किसी शेयर्स के बारे में रिकमेंड नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करने वाला हूं एक सेक्टर के ऊपर. सो वॉट आई एम टेलिंग ओवर हियर इज कि हाउ टू फाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक्स. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें ये शेयर को परचेस करना है, नॉट एट ऑल. सो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर मुझे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था. यहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था, इनफैक्ट मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस ही नहीं करनी थी. एंड हिस्ट्री रिपीट होती है, मैंने कहा कि पास्ट जो है ये ग्राफ ये हमें फ्यूचर दिखाते हैं. सो दिस इज एग्जैक्टली इफ यू कैन सी, ये यहाँ पे रेप्लीकेट कर रहा है पास्ट को. देखना यहाँ पे रेप्लीकेट हुआ था पास्ट एंड इट हैज सीन अ वी शेप्ड रिकवरी. वी शेप्ड रिकवरी का मतलब होता है कि सडन राइज. यू शेप्ड मतलब होता है देखना, वी शेप्ड रिकवरी मतलब ऐसा, और यू शेप रिकवरी मतलब धीरे 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 ऊपर जा रहा है. सो दिस चार्ट इज शोइंग द वी शेप रिकवरी, मतलब ये नीचे जितने तेजी से आया उतने ही तेजी से ऊपर भी गया. एंड दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स आर रियली वेरी गुड टू इन्वेस्ट इन. सो अभी मैं आता हूं सेक्टर एनालिसिस पे एंड देन हम लोग फिर से जाएंगे चार्ट पे. गेटिंग, आई एम गोइंग टू कीप इट शॉर्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द क्रक्स ऑफ द थिंग्स दैट हाउ इट वर्क्स. मुझे पता है लोगों को जल्दी से सीखना होता है हर एक चीज को, और जल्दी से उन्हें होती है इन्वेस्ट करना जल्दी होती है. बट लेट मी टेल यू, इन्वेस्टमेंट में कोई जल्दबाजी नहीं होती है. इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक को लेके रखना है और फिर भूल जाना है. भूल जाना है कितने टाइम तक, भूल जाना है हमें 5 साल 10 साल तो मिनिमम मुझे भूलना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसी को तो कहते हैं. जो भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे एक महीने में बेच देंगे उससे हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं. सो नाउ लेट मी शो यू वन अमेजिंग डेटा जो मैं गो थ्रू कर रहा था. एंड अगेन सिंस लास्ट 3-4 इयर्स व्हेन आई वाज एक्चुअली लुकिंग एंड एक्चुअली एनालाइजिंग दिस सेक्टर, आई वाज रियली अमेज्ड टू सी दिस डेटा इन फ्रंट ऑफ मी. मतलब इवन इफ आई टॉक अबाउट 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, 2018 में जब मैं ये रिसर्च कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर सम नंबर्स, तो मुझे पता चला कि US में 91% ऑफ द पीपल आर एक्चुअली हैविंग द हेल्थ इंश्योरेंस. मैंने लाइफ की बात नहीं की, मैंने जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं की, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस. सो अभी हम लोग सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करने वाले जहां पे मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत डेटा दिखा के तुम्हें एक फ्यूचर कैसे होता है वो देखता हूं. जब भी मुझे कोई मल्टीबैगर स्टॉक खरीदना होता है, सबसे पहले स्टॉक खरीदने से पहले होती है एक वन मोर स्टेप, दैट इज सेक्टर, कि हमें कौन सा सेक्टर सिलेक्ट करना है, या फिर मैं कहूंगा कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है जो कि फ्यूचर में रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है. तो जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों, पहले सेक्टर ढूंढना है और सेक्टर ढूंढने के बाद मुझे वो स्टॉक ढूंढना है और उस स्टॉक्स में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उसके फंडामेंटल देखने हैं. सो इट इज अ 2-स्टेप एनालिसिस, आई वुड से इट इज अ 2-स्टेप एनालिसिस. फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री, आइडेंटिफाई द सेक्टर, देन कम टू दिस पर्टिकुलर. सॉरी, 2 स्टेप को मैं और एक स्टेप ऊपर कर देता हूं. फर्स्ट आइडेंटिफाई द कंट्री, आई वुड से. सो करेक्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री. सो मे बी मैंने ये मैक्रो लेवल पे कंट्री को देखा, उसके बाद मैंने इंडिया में देखा कि यार इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी में ना बहुत स्कोप है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी हाई. इंडिया की पॉपुलेशन इज वेरी वेरी हाई, और एज कंपेयर टू दैट यहां पे इंडिया में हमारी पॉपुलेशन बहुत हाई, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है. लोगों के पास ये अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है. क्या है ये? अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर. सो वॉट आई सॉ ओवर हियर वॉज वेरी अमेजिंग थिंग, कि कंट्री तो आइडेंटिफाई कर ली, सेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिया, और उसके बाद आता है बच्चों स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना. सो कंट्री मैंने कौन सी की? कंट्री मैंने की इंडिया. आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड
कि इंडिया में ना इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है, ये बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत लॉन्ग जर्नी है ये इंश्योरेंस सेक्टर की, और अभी इसमें से तुम्हें बड़ी बड़ी कंपनी देखनी है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बोल रहा हूँ बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि SBI हर छोटे गांव में SBI की बैंक है, तो वो बैंक के चैनल्स के थ्रू इंश्योरेंस भी बेचते हैं, तो SBI एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लेयर है, आई कैन से दैट, क्योंकि लोगों का भरोसा है, गवर्नमेंट की कंपनी है, डूबने नहीं वाली है, जिस दिन SBI डूबेगा उस दिन सारे लोग डूब जाएंगे। HDFC लाइफ, सो HDFC लाइफ का भी एक बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि HDFC बैंक एज अ ग्रुप इज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मिंग प्लेयर, जहां पे गोरे लोगों की भी बहुत इन्वेस्टमेंट है, गोरे लोग मतलब बाहर के FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फेवरेट ग्रुप जो रहा है वो है HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक, और HDFC ग्रुप एज अ होल इज डूइंग वेरी वेरी गुड एक्चुअली। सो HDFC लाइफ, अगर मैं और एक पुराने प्लेयर की और जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा प्लेयर है अगर मैं बात करूं तो ICICI प्रूडेंशियल। सो ये कुछ स्टॉक्स मैंने देखे, सो इसमें से मैं इनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करूंगा, इनके कैश फ्लोस को एनालाइज करूंगा, हाउ दे आर परफॉर्मिंग, दैट आई एम गोइंग टू एनालाइज, एंड देन आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टॉक, गेटिंग। सो थ्री पॉइंट एनालिसिस क्या होगा, पहले मुझे कंट्री को देखना है, करेक्ट, पहले मुझे कंट्री को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं देखने वाला हूं किसको, उसके बाद मैं देखने वाला हूं सेक्टर को, उसके बाद मैं देखने वाला हूं स्टॉक को। So this is how I am going to analyze. I hope ये समझ में आया, अगर ये समझ में आता है तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ actual data देखने के लिए। Everyone? Yes? Okay, fine, now let's go ahead. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे समझा था कि country का analysis पहले करना होगा, then हमें करना होगा sector analysis, sector specific analysis, and later on we are going to do the analysis of the stock. तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, दैट इज जिस दिन स्टॉक मार्केट में आ गए ना उस दिन हम लोग टूट पड़ते हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदूं, बट ऐसा नहीं होता है, दिस इज द मोस्ट लास्ट थिंग टू बी सीन। क्या होता है, ये सबसे लास्ट चीज होती है जो हमारे एनालिसिस में आनी चाहिए, हम लोग तो मेजर पिक्चर, एक बहुत ही बड़ा पिक्चर तो भूल जाते हैं इनफैक्ट, क्योंकि एनालिसिस हमेशा शुरू होनी चाहिए कहां से, एनालिसिस शुरू होती है ऊपर से, कि कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, फिर कौन सा इंडस्ट्री बहुत ही प्रॉमिसिंग है, एंड फिर हमें आना है उस स्पेसिफिक स्टॉक पे, करेक्ट एवरीवन। तो हमें तो ये समझ गया कि एक मल्टी बैगर स्टॉक को अगर ढूंढना है तो पहले मुझे कौन से कंट्री में निवेश करना है, फिर कौन सा सेक्टर अच्छा है और कौन सा स्टॉक अच्छा है। सो कंट्री अगर तो मैं छोड़ दूं तो हम लोग तो इंडिया में ही करने वाले हैं, करेक्ट, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने एक ब्रॉडर पिक्चर तुम्हें बताया है। अगर मैं बात करूं तो मैंने मेरा खुद का निजी निवेश, जो कि मैं ओपनली नहीं बोलूंगा, बट यस म्यूचुअल फंड में अगर मैंने मेरा निजी निवेश किया था तो मैंने ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड रखे हैं जो इंडिया में छोड़ के बाहर के कंट्रीज में भी इन्वेस्ट करता है, तो मैंने उस म्यूचुअल फंड को समझा था कि वो कौन से कंट्री में करता है और वो कंट्री ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, वो समझ के मैंने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। सो मैंने तो कंट्री देखा था, मेरे एनालिसिस में कंट्री एनालिसिस तो जरूर जरूर आता है कि कौन सी कंट्री ऊपर जाने वाली है, और फिर मैंने सेक्टर स्पेसिफिक देखा एंड देन स्टॉक, गेटिंग एवरीवन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। दिखाता हूं मैं तुम्हें कुछ डायनामिक्स, एंड यस यू वुड बी शॉक्ड टू लिसन दैट 91% ऑफ द US पॉपुलेशन ने क्या किया था, हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। बच्चों हेल्थ इंश्योरेंस 91.5% लोगों ने लिया था 2018 में, और अगर मैं डेटा देखा था मैंने तो 75% ऑफ द पीपल आर नॉट कवर्ड अंडर एनी टाइप ऑफ इंश्योरेंस, नॉट हेल्थ, नॉट लाइफ एंड नॉट जनरल इंश्योरेंस, ऐसा कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेने वाले लोग इंडिया में 75% प्रतिशत है। 75% जनता इंडिया में ना कि हेल्थ इंश्योरेंस लेती है और ना ही वो लाइफ इंश्योरेंस लेती है और ना ही वो जनरल इंश्योरेंस लेती है, तो कहने का मतलब यह है कि 75
प्रतिशत जनता, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन तुम लोगों को पता है 133 करोड़ के ऊपर इंडिया की पॉपुलेशन है, और उसका 75% निकालना मतलब कितना यहां पे ग्रोथ हो सकता है. यू जस्ट इमेजिन द ग्रोथ दैट दिस सेक्टर इज गोइंग टू हैव. एंड तुम लोग देखना यहां पे तो इनकी पॉपुलेशन कितनी कम है यूएस वाले लोगों की, लेकिन वहां पे हर इंसान के पास ऑलमोस्ट इंश्योरेंस तो होता ही है, कंपलसरी भी होता है, उनके नॉर्म्स ही वैसे है कुछ. एंड अगेन मुझे और एक चीज दिखानी है बच्चों, यहां पे देखना समझने की कोशिश करना, एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया. इंडिया में करीबन 57 इंश्योरेंस कंपनीज है, उसमें से 24 कंपनीज जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में है, और मजे की बात ये भी है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेट तो उससे ज्यादा है, दैट इज 33%. नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब क्या? नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब अदर देन लाइफ इंश्योरेंस होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस तुम्हारे व्हीकल्स पे होता है, थेफ्ट इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है, देर आर मेनी मेनी थिंग्स जहां पे जिसपे इंश्योरेंस होता है. आजकल तो तुम लोग जिसपे जीते हो ना मोबाइल पे भी इंश्योरेंस होता है. यस, मोबाइल पे भी आजकल इंश्योरेंस जरूर होता है. सो वो होता है नॉन इंश्योरेंस में. गेटिंग? सो नॉन लाइफ इंश्योरेंस में आगे और भी देखना मैं क्यों इस सेक्टर पे बुलिश हूं, बिकॉज गवर्नमेंट ने देखना क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे रिसेंटली 2019-20 के यूनियन बजट में गवर्नमेंट ने इस पे लाया था 100% ऑफ द एफडीआई. सो पहले एफडीआई अगर मैं देखूं तो वो था 26% ऑफ द एफडीआई. बाद में एफडीआई की लिमिट इंक्रीज किए थे 2014 में, कितना किया था वो 49% एफडीआई किया था. एंड रिसेंटली इन 1920 करेक्ट ना, इस यूनियन बजट में 100% एफडीआई, मतलब बाहर के गोरे लोग करेक्ट ना, मतलब कौन, ये एआईजी या फिर दूसरी कंपनीज जो है सिग्ना, ये बाहर की इंश्योरेंस कंपनीज आर इंटरेस्टेड टू कम इन इंडिया, हैव अ जॉइंट वेंचर एंड डू द बिजनेस इन इंडिया. जैसे कि टाटा एआईजी जो है, टाटा एआईए, सो ये एआईजी एक यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है. सिग्ना, मणिपाल सिग्ना, ये जो सिग्ना कंपनी है ये यूएस की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है. दे हैव सीन द फ्यूचर इन इंडिया, एंड ये जो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में आके, वो तो पागल बिल्कुल भी नहीं होंगे ना, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा पिक्चर देखा है इंडिया में, उन्होंने कंपेयर किया है इंडिया के डायनामिक्स को, उन्होंने कंपेयर किया है कि इंडिया में लोग कितना कम, दैट इज अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इंश्योरेंस सेक्टर में. एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हेन दे कम इन इंडिया और व्हेन दे इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्री, दे डोंट इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर होराइजन, लॉन्गर टर्म, मतलब मिनिमम 5-10-15 साल तक वो इन्वेस्ट करते हैं. एंड दिस इज द पिक्चर दैट दे आर सीइंग इन इंडिया. अगर मैं और एक चीज बोलूं कि गवर्नमेंट ने 2018 में लाया था आयुष्मान भारत, सो आयुष्मान भारत में दे वर इम्प्लीमेंटिंग दैट की हेल्थ इंश्योरेंस को कवर कर रहे थे वो, कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लोग उनके लिए भी इंश्योरेंस कवर देने वाले हैं. सो लुकिंग एट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एज वेल, दे आर गोइंग ऑन द फ्रंट फुट एंड दे आर जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस इन दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस सेक्टर. Getting many many private players are coming in the insurance sector and also FDI bhi increase kar diya hai. Matlab kuch to yaha pe hai na bacho. There is some catch in this and this is the catch that you need to analyze on the broader picture. Getting? So yes, again I would say see the growth aspects if I keep in front of you. This industry is growing, is going to grow by around 15-14%. हर साल, मतलब नेक्स्ट मुझे लगता है 5-10 साल, ये हर साल 14-15% तुम्हें एनुअल ग्रोथ देगा, ऐसा मेरा मानना है. अगेन आई एम सेइंग दैट दिस आर माय एनालिसिस. एंड यस, द डेमोग्राफिक्स इन इंडिया आर चेंजिंग, पीपल आर बीइंग अवेयर ऑफ द इंश्योरेंस नाउ. पहले लोगों को लगता था कि यार मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है हेल्थ इंश्योरेंस में, मुझे लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं लेना है. बट नाउ इफ यू सी दैट कि जो हॉस्पिटल के प्राइसेस है,
the treatment ke prices hai, they are going up. Now people actually can't afford that and they are thinking that ki agar mere paas kuch health insurance ho jayega to hamara pura kharcha ye insurance company kar degi. So awareness abhi increase ho rahi hai, rising cost jo ek fear paida kar raha hai logo ke beech mein, and therefore people are moving towards this insurance companies. Life insurance ka importance logo ko pata chal raha hai because it is very important for a dependent person ki hum log agar earning member of the family is no more to wo dependent pe kuch ek bahut hi achhi khasi amount chhod ke chale jaye so that uska guzara ho sake. Pehle joint families hua karti thi, so joint families mein tab koi na koi to sambhalne wala hota hi tha, but now looking forward ki nuclear families, correct na, न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो ये न्यूक्लियर फैमिलीज में ऐसे डिपेंडेंट के लिए कुछ पैसा छोड़ के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड दिस अवेयरनेस इज ऑल्सो स्प्रेडिंग एंड देयरफॉर पीपल आर ऑल्सो टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस कवर गेटिंग. एंड यस, लुकिंग एट द यंग पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है और यंग पॉपुलेशन इज बिकमिंग अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, अवेयरनेस इज ऑल्सो राइजिंग, पीपल आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट क्योंकि द नंबर ऑफ द कंसल्टेंट्स, नंबर ऑफ द अवेयरनेस फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे. सो अगेन दिस इज वन ऑफ द ग्रोथ एस्पेक्ट दैट आई सी फॉर कमिंग इन फ्यूचर. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल शॉक्स दैट पीपल गेट when the earning member of the family is no more, तो वो बहुत ही visible है कि death अगर हो जाती है तो then directly पूरा की पूरा जिम्मेदारी एक dependent पे होती है जो कि actually is not earning, so there is a big question mark in front of them कि क्या करना पड़ेगा. So this is what all the dynamics that I see in the future that is going to attract this particular sector, that is the insurance sector. But let me tell you some of the good stocks. I'm not recommending any of the stock, but जो industry में insurance sector में जो सबसे अच्छे stocks है, मैं कुछ dynamics बताना चाहता हूं तुम्हें उस चीज के. जैसे कि SBI Life का भी अगर तुम स्टॉक देखो तो SBI Life का स्टॉक हाल ही में देखना, ये अप्रैल में अराउंड इसने लो किया था. कितने का इसने किया था? कुछ अराउंड अगर मैं देखूं तो ये 600 से नीचे है, करीबन 500 550 का ये स्टॉक हुआ था कब? अप्रैल में. सो नाउ दिस हैज गॉन डायरेक्टली, यू कैन सी द रेट, रिसेंट रेट ओवर हियर इज 869. सो 869, इफ आई सी द ग्रोथ फ्रॉम दिस 550 odd levels to almost 900. So अगर मैं देखता हूं, चलो मैं 600 to 900 भी पकड़ता हूं, so that growth is phenomenal in just 3 months. 3 months मतलब अप्रैल अगेन मई एंड जून, अप्रैल मई एंड जून. हालांकि इस पीरियड में मार्केट तो नीचे गिरा था, बट ये इंश्योरेंस के स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, बट उतने ही जल्दी से वो रिकवर भी हो गए. मैंने सेम तुम्हें और एक चार्ट दिखाया था, किसका? ये SBI सॉरी HDFC लाइफ इंश्योरेंस का. सो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का भी मैंने तुम्हें बताया, देखना ये चार्ट. सॉरी मैं शॉर्ट टर्म चार्ट दिखाता हूं, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये देखना SBI HDFC लाइफ का. सो HDFC लाइफ ने भी कुछ 350 ऑड लेवल्स दिखाए थे. दिस इज द कैंडल स्टिक पैटर्न. ये मैंने कुछ यहाँ पे मेरे टेक्निकल एनालिसिस के यहाँ पे फ्रेम किया है, मैंने टाइम फ्रेम मेरा यहाँ पे. इफ यू कैन सी दिस, दिस इज द बॉलिंगर बैंड विच ऑल्सो हेल्प्स मी टू आइडेंटिफाई फॉर द स्टॉक्स फॉर द शॉर्ट टर्म. बट इफ आई सी फॉर द लॉन्ग टर्म, देखना ये स्टॉक ने 350 से ऑलमोस्ट कितने तक गया है? वो 528 तक. बट डेफिनेटली वी आर नॉट थिंकिंग फॉर शॉर्ट टर्म, वी आर थिंकिंग फॉर द लॉन्गर टर्म. लॉन्गर टर्म में तुम्हें और एक स्टॉक दिखाना चाहता हूं मैं, देखना यह है ICICI Prudential, करेक्ट ना? सो दिस ICICI Prudential का भी अगर स्टॉक देखते हो तो इसने भी लो किया था अराउंड 250 के थोड़ा नीचे, मतलब 240-230 का इसने लो दिखाया था. बट अगेन इफ यू सी इट हैज रैलीड अ लॉट एंड ये सीधा चले गया है किधर तक? 345 odd levels तक ये गया था. Sorry, 445 odd levels has been shown. कहां से? ये 240 से अराउंड ये गया था 445. So you are seeing the more than 50% growth in this all three stocks जो मैंने तुम्हें बताए हैं. बट अगेन आई एम सेइंग दैट कि लॉन्गर टर्म चार्ट जब देखोगे तुम इसका, जैसे कि मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए HDFC लाइफ का ही लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाया है. सो देखना ये फेनोमिनल ग्रोथ थी. इफ यू सी ओवर हियर,
this was a phenomenal growth in the long term chart of this HDFC Life. बहुत ही अच्छा मौका था. आई वुड से दैट दिस वॉज अ वेरी गुड. ये बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊं. बट मैं यहाँ पे एंटर अगर लोग नहीं होते हैं तो स्टिल आई फील दैट. वॉट डू आई फील नाउ, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी फ्रेंकली. मेरा एक एनालिसिस ऐसे बोलता है, मैं जल्दी से तुम्हें वो बताऊंगा कि मेरा एनालिसिस क्या कहता है, तो तुम लोग भी हो जाओगे शॉक और तुम लोग भी सोचोगे कि अच्छा हुआ आपने ये बता दिया, अदरवाइज हम तो अभी इन्वेस्ट करने ही वाले थे. करेक्ट. अभी ये कोरोना वायरस कब आया था, हमारा लॉकडाउन कब हुआ था, लेट मी जस्ट टेल यू, हमारा ये लॉकडाउन हुआ था मार्च में. करेक्ट. मोदी जी आए थे 21 मार्च को, जनता कर्फ्यू हो गया था और मार्च में सारे इंडस्ट्री हो गए थे क्या, सारे इंडस्ट्री हो गए थे बंद. सो दे वर क्लोज डाउन. लेकिन यहां पे ये कोरोना वायरस पैंडेमिक यूएस में भी बहुत ही तेजी से गिरा और यूएस का स्टॉक मार्केट नीचे गिर गया. हम लोगों ने उनको मिमिक किया, इंडिया का स्टॉक मार्केट भी क्या हो गया, नीचे गिर गया. बट अगेन आफ्टर दैट सब कुछ जब अनलॉक होने पे था, सो 2-3 महीने तो मार्केट अच्छे से नीचे गिरा, सब लोगों की हवा हो गई थी टाइट. बट अगेन जब ये अनलॉकिंग शुरू हुआ था मार्केट ने रिकवरी दिखाई. सो इंडिया का मार्केट फिर से ऊपर चले गया और यूएस का मार्केट भी ऊपर चले गया था. सो ये दोनों मार्केट ऊपर चले गए. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आज की बात करूं, करेक्ट ना, 8th of July की बात करता हूं मैं, करेक्ट, 8th of July 2020, आज मार्केट ऊपर है. मार्केट कंटिन्यूअसली फ्रॉम लास्ट वन वीक मार्केट इज अप, फ्रॉम लास्ट वन वीक मार्केट इज गोइंग अप. बट मुझे ये समझना है उसके साथ साथ कि मार्केट अभी ऊपर है, क्या ये नीचे आने वाला है. वॉट डू आई सी, आई एम गोइंग टू टेल यू. यहां पे मार्च में, मार्च के रिजल्ट आए थे जून में, दिस मे में. सो मे में जब उसके रिजल्ट आ रहे थे, करेक्ट ना, दिस वॉज द रिजल्ट सीजन. सो ये Q4 के रिजल्ट आए थे और Q4 तक तो सब सारे इंडस्ट्री शुरू थे, तो रिजल्ट आ गए अच्छे. सो ये सारे रिजल्ट आए बहुत ही बेहतरीन, करेक्ट ना. सो दिस रिजल्ट वेर वेरी वेरी गुड एंड सो ड्यू टू दैट, ये अच्छे रिजल्ट आने की वजह से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ऊपर भाग गया. क्या हो गया यहाँ पे, स्टॉक मार्केट वेंट अप. बट नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, यू वुड बी शॉक टू लिसन दैट, कि अभी क्या होने वाला है, मार्च अप्रैल से लेके, करेक्ट ना, अप्रैल से लेके जून तक हमारा हो गया फर्स्ट क्वार्टर. सो नाउ ये फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो गया, लेकिन इसमें तो सारे इंडस्ट्रीज बंद थे, सो दे वर क्लोज डाउन. तो मुझे बताना इनका रिजल्ट कैसे आएगा. इनका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है Q1 का बहुत ही खराब, क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी ना, तो इंडस्ट्रीज बंद थी तो रिजल्ट आएगा खराब, तो सारे लोग लॉसेस बुक करेंगे, उनका रिजल्ट कम आएगा, रेवेन्यू कम आएगा, सेल्स कम आएगा. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ रीजन फॉर द मार्केट टू फॉल. मार्केट जो ये ऊपर जा रहा है, मेरे हिसाब से दिस इज नॉट वेरी फेरी पिक्चर, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू ट्रैप द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड लाइक मी. बट नाउ व्हाट डू आई फील इज मार्केट, ये रिजल्ट जब आने शुरू हो गए जुलाई में और अगस्त में, मार्केट जुलाई एंड अगस्त में आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ बिग फॉल इन द मार्केट. करेक्ट. सो जुलाई एंड अगस्त में आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग फॉल और तुम्हें यहां पे ग्रैब करने होंगे, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की सिचुएशन ठीक नहीं हुई है, वैक्सीन अभी तक आए नहीं है पूरी तरीके से. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि दिसंबर और जनवरी तक ये हो सकता है. सो नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मार्केट टू गो अप एंड ऑल द इंडस्ट्रीज आर क्लोज डाउन. सो नाउ अगेन इट विल फाइंड अ रीजन. मार्केट बहुत ही ड्रास्टिकली नीचे गिरा था, तो कुछ ना कुछ चाहिए था उसको ऊपर जाने के लिए, एंड दे गॉट दिस रीजन. Q4 का रिजल्ट का जो रीजन था उससे मार्केट ऊपर चले गया. बट नाउ वी आर थिंकिंग दैट कि सब कुछ सही हो गया. नहीं बच्चों, ये सही नहीं हुआ है. ये तो होती है फर्स्ट लेवल थिंकिंग, जो सब लोग सोचते हैं कि सब कुछ सही हो गया है. बट सेकेंड लेवल थिंकिंग हमें करनी है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, Q1 के रिजल्ट आने बाकी है. सो मार्केट इज गोइंग टू फाइंड अगेन अ रीजन टू फॉल डाउन एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट नाउ. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन द मार्केट.
तो हमें रुकना है, आई वुड से दैट हमें रुकना है जुलाई और अगस्त में, हमें कैश में बैठना है और हमें इस टाइम पे अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्गर टर्म। तो एक सेक्टर को कैसे एनालाइज करते हैं ये मैंने तुम्हें समझा दिया है, दैट वॉज अ इंश्योरेंस सेक्टर, करेक्ट। आई कैन गो ऑन एंड एक्सप्लेन यू इन मोर इन डिटेल, बट आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ, बट डोंट वरी, as and when we are going to come up with the more informative videos for you in between, because hum logon ne yahan pe kya kiya tha actual mein, this subject of ours is such that economic analysis kiya tha, economics analysis karte karte it is helping me in my subject, that is economics. So yes, agar tumne achi economics padh li to tum acche investor bhi ban sakte ho in future. Are you getting it? Yes. So this is how is my view on the one of the sector of India, that is insurance sectors. I haven't recommended you any stocks, but yes, there I have also told you one very very important clue that yes, this sector is good. Aur dusra clue maine bola hai ki invest karna hai to thoda samay ruk jao, cash mein baithna. I see over here market is going to fall, market may go opposite. Hamesha hum sahi nahi ho sakte, but this is my analysis, thoda bahut experience hai. तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट इज रेडी टू फॉल. एंड यस, डेफिनेटली इफ यू लाइक दिस वीडियो यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है. और जल्दी से लाइक कर देना क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाने वाले हैं. एंड डेफिनेटली यू हैव टू टेल मी कि हम लोग आगे कौन सा वीडियो बनाए, तुम्हें कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना है. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक द वीडियो फॉर यू गाइज. एंड यस, हम लोग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे. एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंश्योरेंस सेक्टर, प्लीज लेट मी नो एंड लेट अस शेयर मोर नॉलेज. एंड तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या इंश्योरेंस के तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन है. यस, सो यस एवरीवन, दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ एंड स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल, दैट इज अन एकेडमी सीए फाउंडेशन, जहां पे तुम्हें मैं लेके आऊंगा बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस. सो एवरीवन, हैप्पी स्टडीज, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी इकोनॉमिक एनालिसिस गेटिंग एवरीवन. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ.